हेलो दोस्तों, ये प्लास्टिक का बोर्ड है 4K5। मैंने बहुत 2-3 साल पहले बनाया था। इसकी रीवायरिंग कर रहे थे लेकिन अभी भी ऑन है। पावर सप्लाई इसी की है। करीब मेरे ख्याल से ये 15,000 UF है। 15,000 UF 125 वोल्ट पे एक है। इस पे सप्लाई जो है ये करीब मेरे ख्याल से 230 वोल्ट AC पे 80-0-80 है। नहीं, 60-0-60 बनाया हुआ था। ये बोर्ड जो है 500 से 1000 वाट ही देता है 4K5 विदाउट प्री एम्प। अगर प्री एम्प लगाते हैं तो इसकी सप्लाई शायद बढ़ जाती है। और इस पे ये वाले जो प्री एम्प होते हैं ना, ये सपोर्ट नहीं करते हैं जो हम क्लास AB में यूज करते हैं। ये प्री एम्प मैंने लगाया था, ये ट्रांसफार्मर हो गया अलग से लगाया था। ये देखिए डबल का मैंने बना के लगाया हुआ था। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे ठीक है। मैंने सप्लाई निकाल रखी है जैसे कि ये सामने ही इसका सॉफ्ट स्टार्टर RX 4000 का सॉफ्ट स्टार्टर है, ठीक है। तो ये लगा रखा है, इस पर डबल टोन पे ही मैं बना रखा हूँ। ओके, और ये स्पीकर प्रोटेक्शन है। स्पीकर प्रोटेक्शन पे हम देख रहे होंगे, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए दिया हुआ है। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया था, रेक्टिफायर हटा दिया है। दोनों साइड यही सेम है, ये इसमें अपोजिट साइड लगा है, इसमें इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ सप्लाई स्पीकर निकल स्पीकर प्रोटेक्शन की वायर निकल करके यहाँ चली जाती है, देख सकते हैं हमें। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, 60 वोल्ट या 80 वोल्ट के अराउंड है। 60 के अराउंड ही होगा, क्लास डी ज़्यादा हीट नहीं होता है। 60 के अराउंड जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा। ओके, इसमें जो कॉयल मैंने यूज किया था ये शायद 1 mm या 1.2 mm है। टीन या गेज की वायर है शायद, इस पर देख रहे होंगे। ट्रांसफार्मर ये 2 KVA का है, 2 किलोवाट का, 2+2 का है शायद। मैंने बहुत पहले मंगाया हुआ था, अभी मेरे को याद भी नहीं है। ओके, उस समय मैंने बना करके लगाया हुआ था। 25 एम्पीयर तक मेरे ख्याल से ये निकालता है। और ये बोर्ड भी मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें 2 लाइट 4 लाइट लगी हुई है। दो ये डिस्चार्ज बताता है, अभी मैंने इसको मैं चेक कर रहा था तो इसके लिए था। ये 4K7 या 6K8 लगी होगी डिस्चार्ज करने के लिए। रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बगल में 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है LET के सीरीज में। और जो फ्यूज़ लगे हुए हैं करीब 15-20 एम्पीयर के, यहाँ फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक के जो फ्यूज होते हैं ना, इसको मैं सपोर्ट मतलब मना करता हूँ। इसलिए कि अभी मेरे पास कुछ बोर्ड आया था जिसमें कि प्लास्टिक के फ्यूज जो है ना मेल्ट हो जाते हैं, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं। प्लस वो 700 वाट पे ही मेल्ट हो गया था। ये तो करीब 1000-1500 वाट निकाल देगा अगर प्री एम्प मिक्सर यूज करते हैं। विदाउट मिक्सर ये 500 वाट तक ही निकालता है, 500 से 1000 वाट मैक्सिमम जाएगा। 1000-500 वाट ही लगाएगा, 500 से 1000 वाट क्लेम्ड है ये। और इस पे कि मैंने 264 लगा रखा हुआ है, ये जो मॉस्फेट है ये 264 लगी हुई है, नहीं 264 लगी हुई है। 6 पेयर, तीन तीन पेयर के या दोनों पे बोर्ड पे लगी हुई है। ये पहले इस तरीके से माउंटेड था एसी इस टाइप से, तो मुझे चीज़ें लगानी थी। प्लस मैंने एक्चुअली मुझे ये PM चेंज, ये स्पीकर प्रोटेक्शन चेंज करना था। स्टूडियो लगा हुआ था तो जैसे ही एक चैनल में कुछ प्रॉब्लम होती है, उस पर कुछ वॉल्यूम टेज करने में कुछ दिक्कत होती, तो दोनों ही चैनल आपके बंद हो जाते थे। तो ऐसा नहीं होना था, दोनों को अलग करना था। इस वजह से मैंने ये बोर्ड ओपन किया हुआ था। इसका कनेक्शन डायग्राम भी, कनेक्शन जो है, जो भी कनेक्शन है इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास टी का बोर्ड है, इसमें एक बायसिंग बोर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है।
ये वाला रेजिस्टेंस भी बहुत हीट होता है, हाई पावर पे लगाइए तो बेटर है। 4K5 में 22 R है। ये 0 R की सप्लाई होती है, जिसमें माइनस सप्लाई जो होती है ना, ये इसकी माइनस से कनेक्ट होता है, इस बोर्ड की माइनस से। पॉजिटिव पे एक डायोड लगा होता है MUI 460, उससे ये चलता है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई, इसको सेपरेट देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे SMPS लगा रखा हुआ है 0 12 का, और इधर साइड भी SMPS लगा रखा है 0 12। क्लिप पहले मैंने इसको यहाँ आगे खींचा हुआ था, फिर बाद में मैंने इसको हटा दिया, ये क्लिप का ही हुआ है। और यहाँ पे 0 12 लगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये जो 0 12 की सप्लाई है, इसी से निकाल के लगाते हैं। तो इसका ग्राउंड जो होता है ना, ग्राउंड, और चूँकि ये माइनस सप्लाई इसकी माइनस से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड और 0 12 से निकालते बना करके अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है ना कि ये आपस में शॉर्ट हो जाती है, ब्लास्ट कर जाता है। जिस वजह से लोग कहते हैं कि मैं बोर्ड सही नहीं है, या प्रॉब्लम आ गई है, समथिंग कुछ हो गया। तो उसके लिए आइसोलेटेड सप्लाई, आप अगर इसको SMPS इस टाइप का नहीं मिल रहा है, तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, एडाप्टर जो आता है, उसको यहाँ माउंट करके उसको भी लगा सकते हैं, या सेपरेट ट्रांसफार्मर यूज कीजिए, या ये जो सेपरेट 0 12 का ये जो वाला एक सेपरेट जो आ रहा है ना, इसे डायोड लगा करके 12 वोल्ट 1 एम्पियर की सप्लाई निकाल लीजिए। रेगुलेटेड सप्लाई होनी चाहिए। ये SMPS पे तो आपको रेगुलेटेड ही मिलेगी, इस पर एक रेगुलेटेड सप्लाई निकाल लीजिए। जैसे ये मैंने 4UCD1K पे, ये जो नीचे रखा हुआ है ना, पे देख रहा हूँ, इस पर मैंने बना रखा हुआ है 24 वोल्ट की सप्लाई को 12 वोल्ट की सप्लाई पे ट्रांसफ़र करके मैंने बना रखा है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने निकाली हुई है, ये देख रहे होंगे, ये 12 वोल्ट सप्लाई। यहाँ एक डायोड लगा करके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, इसके पीछे 12 वोल्ट का एक जीनर लगा करके डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। इसमें मैंने कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाया है फिल्टर के लिए, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें बहुत हल्की सप्लाई जानी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके, सॉरी, इसमें ये आप देख रहे होंगे 0 12 की सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये सप्लाई मैंने क्या हुआ किया है कि यहाँ से देखिए, यहाँ 12 0 12 की सप्लाई निकल रही है, ये देख रहे हैं, इधर भी सेम है, 12 0 12 की ये वाली सप्लाई है, ठीक है। तो ये दोनों सप्लाई को मैंने क्या किया है कि इधर ले आकर के यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये ब्लैक कलर का हीट सिंक ट्यूब देख रहे होंगे, यहाँ पे डबल डायोड लगा करके ये ब्लैक वायर जो है, ब्लैक ब्लैक और रेड था, तो रेड ग्राउंड है, ब्लैक ब्लैक पॉजिटिव है, फेस है। तो ब्लैक ब्लैक वायर पे मैंने एक डायोड लगा करके इसको पॉजिटिव किया, और रेड को कनेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस को यहाँ पे मैं नीचे ले जा करके इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड सेम ही है, ठीक है। अब इसको रेक्टिफायर की, जो भी ये रेक्टिफायर जो लगा हुआ था, इसकी प्लस पे प्लस को माइनस पे कर दिया, नहीं तो फिर अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है, इस टाइप का ये एक बना करके फिर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे ये जो टेप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो डायोड लगा करके प्लस को सेपरेट कर लिया, यहाँ से रेड वायर में कनेक्ट कर लिया, ओके, और माइनस को माइनस से ब्लैक में कनेक्ट करके इसको यहाँ पे ले आकर मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ओके। ये पूजा भी स्टार्ट हो गई है मंदिर में, साइड में मंदिर है, और ये हो गया। इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 इनपुट लिए हुए हैं, अलग अलग लेफ्ट राइट के लिए लिए हुए हैं, जैसा मैंने क्लास ए भी में बताया था, डिक्टो सेम यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है। ये वायर जो आती है, ये आती है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 22 UF के दो कैपेसिटर लिए हैं नॉन पोलर, ओके, जिसमें प्लस माइनस का वो नहीं होता है, कुछ होता नहीं है। और ये मिडिल वाला जो है, ये आपका राइट साइड है, मिडिल का देख रहे हैं, ये राइट साइड है, ये चैनल आपके आग करके यहाँ पे लग जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला,
यहाँ पे LDR और LDR और LED का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से मैंने जो भी क्लिप का वायर निकाली हुई है वो क्लिप की वायर यहाँ पे आती है LED पे, और यहाँ पे एक LDR इसी से कनेक्ट किया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये 0202 LDR LCR 0202 होगा, ये सेम चीज़ है। आप चाहो तो LCR 0203 या LCR 0202 लेकर के उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो ये नीचे LDR लगा हुआ है, LDR की एक पिन पे, तो ये जो LDR लगा इसकी एक पिन पे 2.2K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके। और दूसरी पिन है, तो ये दोनों पिनों को निकाल करके मैंने क्या किया हुआ है, इसकी जो मेन मिडिल वाली पिन है, एक मिडिल वाली पिन पे, एक ग्राउंड वाली पिन पे, इसकी देख रहे होंगे मिडिल और ग्राउंड पे लगा करके मैंने इसको कर दिया है कि जैसे ही उधर से क्लिप होगा तो मिडिल और मेन जो इसमें जो सप्लाई आ रही है इस बोर्ड पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, इसकी दोनों पिनों पे आपको कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे ही क्लिप होगा LED जलेगी, LED जलेगी तो LDR का जो भी रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में वो फुली कोई भी उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, तो जैसे लाइट जलेगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और कम होते ही वो 2.2K के अकॉर्डिंग वो इस पे रेजिस्टेंस ऐड कर देगा, मतलब कि दोनों वायर के बीच में रेजिस्टेंस मतलब कम हो जाएगी एक तरीके से। और जैसे ही कम होगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मोस्टली स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम ये जो पॉइंट है आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट है, इसको जब करते हैं वॉल्यूम कम करते हैं तो जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो ग्राउंड में जाकर टच होता है। तो जैसे ही आप क्लिप होगा एम्पलीफायर, तो लाइट जलेगी, लाइट जलते ही LDR का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा तो मिनिमम जीरो अकॉर्ड, मतलब कि अगर लाइट पूरी ग्लो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मीन्स ग्राउंड और वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते हैं, शॉर्ट होने से क्या होगा ना कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, तो इतना भी वॉल्यूम जीरो नहीं करना है हमें, थोड़ा सा क्लिप करना, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना है। तो उस केस में क्या कहते हैं, 2.2K, मोस्टली 2.2K ही यूज होता है। और आप चाहो तो 4.6, 6.8 जैसा भी है, आप हाई वॉल्यूम पे चला के चेक कर लीजिए, जो भी क्लिप करने पे जो भी वैल्यू आती है, मोस्टली ये आपका जो ये ऑसिलोस्कोप होता है उससे चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फिलहाल हमारे पास है नहीं। तो एक अंदाज़ा लगा करके ना 2.2 या 4.7, 5.6, 10K के इसके अकॉर्डिंग, 10K कह देंगे तो 10K तो पूरा ही हो जाता है, तो 2.2, 4.7 आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि क्लिप होने पे वॉल्यूम कम हो जाएगी और आपका एम्पलीफायर सेफ रहेगा। आजकल सभी एम्पलीफायर्स में यही सेम टेक्नोलॉजी आ रही है। आपको क्लिप की ये जो लिमिटर, इसी को लिमिटर कहा जाता है, इसकी आपको सर्किट भी मिल जाएगी, आप सर्किट चाहो तो सर्किट भी लगा सकते हो। फिलहाल सर्किट की जगह मैंने डायरेक्ट यही यूज़ किया हुआ है। इसमें मैंने ट्रांसफार्मर भी लगाए थे, अलग अलग सप्लाई भी लगाई थी, मेन मुझे लगाना था PM, लेकिन वो PM क्या होता था कि एक पॉइंट पे इतना इसका गेन इतना हाई हो जाता है कि PM लगाने पे, कि एक पॉइंट को अगर हम लो कर दें, ब्लैंक कर दें, दूसरे पॉइंट को ओपन करते हैं तो पहले भी पॉइंट, जैसे कि इसको मैंने हाई किया, वॉल्यूम बढ़ाया, फिर इसको एक बार वॉल्यूम इसमें सिग्नल दे दिया, ये चैनल एक्टिवेट हो गया। क्लास डी में थोड़ा सिग्नल देने पे ही एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो फिर बंद हो जाता है। तो थोड़ा सिग्नल दे दिया, फिर बंद कर दिया, फिर इसको भी बंद कर दिया, फिर इधर से हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाते थे तो इसका इसमें भी सेंस करता था, इसलिए तो चल ही रहा है, एक चैनल हमारा ये चल रहा है, ये भी सेंस करने लगता है। मतलब एक चैनल पे आप इनपुट देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेंस करने लगेगा, उसमें से हल्की सी फ्लिकरिंग की आवाज़ आने लगेगी। तो
इसी ये जो क्लास ए बी के प्रीएम्प है ना, ये क्लास टी में सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेरा UCD1 के जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी इसका भी बैक पैनल जो है ना पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी थो मतलब कि बहुत हाई वॉल्यूम पे हल्का सा हमिंग आती है तो चल जाता है। और मोस्टली साउंड रहता है, साउंड के केस में मतलब गाना बजता रहता है तो उस केस में हल्की सी हमिंग आती है तो पता नहीं चलता, इस वजह से इसमें चल जा रहा है। लेकिन इसमें 4K 5 में मैं चला रहा था इस पर, तो इस पर ये नहीं चल रहा था, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और इसके यहाँ पे जो क्लिप इसमें से दो, ये फ्रंट का मैं बता देता हूँ, फ्रंट का ये जो लाइट है इसको मैंने इसमें से ही रेजिस्टेंस लगा के निकाला हुआ है पैनल के अकॉर्डिंग। रेड और ब्लू वाली जो ये है, ये जो ब्लू वाली है इसको मैंने इसी से निकाला हुआ है, रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन ये मैं यहाँ से लेके आया हूँ। ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन का है यहाँ से ले आया है, क्लिप का मैंने बताया है, क्लिप को मैं यहाँ से लेके आया हूँ। क्लिप यहाँ से ले आ करके यहाँ पे LCR 0202 का मैनुअली मैंने बना रखा है, 0203 होता है ये, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, इस पे लगा रखा है। सेम ये साइड में भी है, बी साइड में भी है, ये मिडिल का हो गया, ये आपका जो है ये ए साइड है, ये मिडिल हो गया, ये ए साइड है, ये रेड वाला ये बी साइड है। तो यहाँ पर मैंने 22 UF लगा रखा हुआ है, इसलिए कि जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिप भी लगा रखा है साइड में ही क्लिप के लिए लिमिटर का, तो जैसे कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम कम करता हूँ या कोई इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट जो है ना बैक साइड ना पड़े, मीन्स कि जो ये जो आपका पॉइंट लगा हुआ है किसी इक्विपमेंट से लगा होगा तो जो ग्राउंड मिल रहा है उसको इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से हम यहाँ पे लगा देते हैं हल्का सा 2.22 UF का एक कैपेसिटर लगा देते हैं। फिलहाल क्लास टी में आप कोशिश करिए कि जो भी है सप्लाई है सेपरेट रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेपरेट में चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ 0.12 की सप्लाई जो यहाँ जा रही है यही सप्लाई आप यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन ये मेरा जो स्पीकर प्रोटेक्शन का बोर्ड है इस पर अगर आप 220 वोल्ट से कम की सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, वो 470 से कम करना होगा। अदरवाइज अगर वो 470K का रेजिस्टेंस अगर आप लगाते हो तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसको ऑन करने के लिए आपको कम से कम 230 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, 220 से 230, तभी ये स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन होता है। इसी तरीके से मेरा सॉफ्ट स्टार्टर भी था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो इस वजह से मैंने वही RX का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसका भी सर्किट डायग्राम मैं निकाल करके दूंगा। मैनुअली मैं इसका मतलब कि 47 वोल्ट की ये रिले लगती है और ये कैपेसिटर 3 लगते हुए हैं और 2 वो लगते हैं, तो इसका मेरे पास सर्किट डायग्राम है, मैं इसको बनाऊंगा, इसकी एक सर्किट बनाऊंगा, बना करके मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे जो 6060 है इसमें मैंने जो ये यूज किया हुआ है 35 वोल्ट पे यूज किया हुआ है रेक्टिफायर, 35 35 35 पोर्ट की जो रेक्टिफायर आती है ना मैंने उसको यूज़ किया दोनों साइड में, और उसमें मैं 35 या 50 50 पे होगा, हैवी है मेरे ख्याल से 50 पे होगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाता है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। लोकल मार्केट में 50 पोर्ट में मिल जाता है, 50 एम्पियर पे मुझे मिल जाता है। ग्राउंडिंग मैंने दोनों यहीं पे ही शॉर्ट किए स्पीकर टर्मिनल में, और ये जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल का लेफ्ट ग्राउंड राइट जो है ये पतली सी वायर लेकर के आया हूँ, मैं यहाँ पे ही ऐड किया हुआ ग्राउंडिंग, इसका ग्राउंड ए साइड और बी साइड का दोनों मैंने यही ग्राउंड कर दिया है, बाकी का कहीं से अगर ग्राउंड किस कैबिनेट को मिल रहा होगा तो ओके है, वैसे मैं कैबिनेट को ग्राउंड नहीं करता हूँ।
फिर भी मेरे को मतलब ग्राउंड करो या ना करो, मेरे को मतलब कि ग्राउंड नहीं करता हूँ कैबिनेट पे, मेरा सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती इस वजह से। प्लस कभी कभी होता है ना कि कहीं दे दिया माइक में वो आने लगता है, थोड़ा सा करंट आने लगता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो रुमाल पकड़ करके माइक, रुमाल से माइक पकड़ करके यूज करते हैं सभी हैं, ये यूज करता हूँ मैं, ये इसलिए यूज करते हैं कि ये जो है यहाँ पे फ्यूज जो है ना, इन वायर फ्यूज या कुछ बोलते हैं इसको, तो यहाँ 2 एम्पियर का फ्यूज मैं यूज करता हूँ, ज़्यादा सिर्फ 2 एम्पियर का, इसलिए 2 फैन मुझे चलाने होते हैं, एक ही लेफ्ट राइट की। ये एसी फैन है, एसी फैन लगाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्लास ए बी हो या क्लास डी हो, कोई भी फैन हो, कोई भी चैनल हो, मैं एसी फैन लगा देता हूँ। और यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं 2 एम्पियर का, कि बाई मिस्टेक कभी, ये एसी फैन है, कभी भी कोई भरोसा नहीं है, मान लीजिए कभी शॉर्ट करता है, तो ये 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये फ्यूज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ पे जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगाते हैं, 5 से 15 एम्पियर बीच में कोई फ्यूज़ लगा लेते हैं, 10 एम्पियर के अराउंड में, 10 से 15 के अराउंड में, डिपेंड करता है आपका ट्रांसफार्मर कितना हैवी है। तो ये वाला फ्यूज जो है ना, ये पहले ब्रेक कर जाएगा इसकी जगह पे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो भी प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। इसमें गड़बड़ क्या हुई है ये वाले बोर्ड पे, यहाँ पे ये जो है ना, ये करीब 2 वाट का यूज़ करना था, यहाँ पे 1 वाट है, गर्म होगा लेकिन काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस सप्लाई पे ही लगता है। मुझे 1000 वाट के लिए एक चैनल पे 1000 वाट ही मैं चलाऊंगा मोस्टली, डबल 15 के 2 टॉप चलाने हैं, एक चैनल पे 4 ओम से मैं 1000 वाट ही लगाऊंगा, मैक्सिमम 900 वाट के राउंड जाएगा एक चैनल पे, तो इस वजह से चल जाएगा, मुझे कोई बेस नहीं चलाना है इस पर, मैं 4 ओम पे ही प्रीफर करता हूँ। मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सेम क्लास ए बी वाली जो सप्लाई थी सेम सप्लाई है, बस इसमें बस ध्यान ये देना है कि जो बायसिंग जो है ये डिफरेंट रहेगी, ये अब बायसिंग जो है 12 वोल्ट की, इसके लिए आप SMPS यूज़ करिए या रेगुलेटर सप्लाई यूज़ करिए, जो कि ऑलवेज आपको 0-12 की सप्लाई देती रहे, फ्लैक्चुएट ना हो थोड़ी सी भी, ठीक है। और इसके लिए अलग सप्लाई मैंने यूज़ की है, दोनों के लिए आप इसको सेम सप्लाई पे भी चला सकते हैं, और सारा कनेक्शन करने के बाद एक बार सीरीज पे चलाइए, ऑन कीजिए, सीरीज पे ऑन करेंगे तो आपको चेक करना होगा कि अगर रेगुलेटर सप्लाई यूज़ करें 0-12 की, तो पूरी तरीके से 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं देगा, तो एक्सटर्नल सप्लाई लगा करके चेक कर लीजिए, ये अगर SMPS लगाते हैं तो आपको 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी, तो आप चेक कर पाएंगे। तो मोस्टली प्लास्टिक का बोर्ड जो है सीरीज पे चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि सप्लाईज को पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है, 0-12 की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे बायसिंग में कम आने लगती है, तो TLO 71 की जगह अगर कुछ और सप्लाई कोई और IC लगी हुई है तो वो बम्प करने लगती है, मतलब कि बीप की आवाज़ करने लगेगी, उसको सप्लाई कम मिलेगी, पिट 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 की आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है, तो लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मोस्टली वीडियोस में देखा होगा आपने कि लोग हेलमेट पहन के या समथिंग कुछ वैसे करके ऑन करते हैं, तो यही प्रॉब्लम है कि जैसे सप्लाई नहीं मिल पाती तो हमें फुल मेन पे लगा के ऑन करना होता, कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो जाता है। और ये दोनों सप्लाई मैंने लीड वायर ये वाला यूज किया हुआ है, और यहाँ पे ले आ करके इसको मैंने डायरेक्ट मेन सप्लाई से ही कनेक्ट किया है, सॉफ्ट स्टार्टर पे नहीं कनेक्ट किया, इसको मेन सप्लाई पे कनेक्ट किया हुआ है। और जब भी मैं इसको सीरीज पे चलाता हूँ तो यहाँ पे ये जो फैन है इसको फैन के ये निकाल देता हूँ,
इसलिए कि जब तक ये फ़ैन चलता रहेगा आपका ये प्रोटेक्ट मोड से मेन मोड पे आएगा ही नहीं। ये फ़ैन जब तक चलता रहेगा, ये एसी फ़ैन है तो इतनी पावर कंज्यूम करता है कि आपको सीरीज लैंप पे हमेशा शॉर्ट ही दिखाएगा या सीरीज लैंप 100% ग्लो करता हुआ ही दिखाई देगा। सेम प्रॉब्लम की वजह से जो मेन अदर कंपनीज के आते हैं डीसी फ़ैन देते हैं कि या समथिंग सेंस पे फैन देते हैं। अभी मैं अगर इसको सीरीज पे लगा के ऑन कर दूँ तो फुल मुझे शॉर्ट दिखाई देगा 100 वाट के बल्ब पे। अगर 200 वाट बल्ब मेरे पास है नहीं, अगर उस पर लगाते हैं तो शायद सही चले, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन 100 वाट के बल्ब पे एम्पलीफायर मेरा ऑन नहीं होता है, ये प्रोटेक्ट मोड में ही रहेगा, ऑन होता ही नहीं है। फिलहाल देखिए डिस्चार्ज हो गया, चावल एलईडी बंद हो गई है। इसका मैंने चेक कर लिया है, अभी पूजा भी हो रही है तो अभी नहीं, बाद में कभी एक रील डाल लूँगा इसका। और ये मशीन जानी है, कई दिन से खुली रखी हुई थी, आज मैं फ्री पाया हूँ तो इसको एक दो बार पटक के देखा जाएगा। इसमें देखिए कुछ गंदगी है तो उठा करके इसको तो मटक पटक के मतलब कि अपोजिट करके थोड़ा सा झाड़ फूक करके इसको बांध देंगे, इसलिए इसमें होल भी किए थे एक दो ठो एडिशनल, तो जगह जगह पे ये देखिए ये रंगा पड़ा हुआ है या समथिंग, तो इसको अपोजिट में अपोजिट इसको उल्टा रख करके झाड़ा जाएगा। झाड़ने के बाद इसको पैक कर देंगे और ये मशीन कल में निकल जाएगी या एक दो दिन में, जैसा भी होगा देखते हैं, जैसा भी है। अगर रहेगी वापस आएगी मशीन तो मैं इसका एक बार साउंड चेक करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके गाइस, थैंक यू। और आपके पास अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम भी नई वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो कुछ एम्पलीफायर्स की सर्विसिंग चल रही है तो इसका कनेक्शन का मैं बता दे रहा हूँ, और जब भी जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी, फ़िलहाल मैं लेता नहीं हूँ एम्पलीफायर बनाने के लिए, अपने ही पास बहुत ही काम है, तो जैसे ही आएगा मैं बना करके शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड लक। सेम कनेक्टेड है सेम फोन से। फिलहाल जितने भी कनेक्शंस है, जैसे ये है देख रहे हूँ, यहाँ पे हल्का हल्का ग्लू डाल करके ये मशीन पैक कर देंगे। ये फ्रंट पैनल मैंने पैक कर दिया है, ये अभी से ही पैक करना बाकी देख रहे हैं। तो फिलहाल हल्का हल्का ग्लू डालेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था वही ग्लू डालने के बाद इसको पैक कर देंगे।